तो गाइज ये एक हमारे फ्रेंड है जो कि यहाँ से PhD कर रहे हैं, सुकाराम इनका नाम है। तो ये अभी हमें कैंपस घुमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे आई थिंक आया था, फर्स्ट टाइम इनके साथ ही आया था जब इनका यहाँ पे MA के अंदर एडमिशन हुआ था, उसी समय में आया था। बट उस बात को लगभग 6-7 साल हो गए आई थिंक, है ना। तो अभी ये पूरा कैंपस अपने को फिर से घुमाएंगे, कौन कौन से हॉस्टल है, किस तरीके से क्या फैसिलिटीज़ है, कितना बड़ा कैंपस है। तो ये जो है अभी हमें घुमाएंगे, आप थोड़ा देख सकते हो। अच्छा, ये जो भी आप देख रहे हो ये B6 हॉस्टल है। ये केवल बॉयज के लिए या गर्ल्स दोनों के लिए? केवल बॉयज के लिए। ये जो सामने है आपको मेगा मेस है, जिसमें खाना खाते हैं। मेगा मेस तो इसमें सभी स्टूडेंट के लिए एक ही है या सभी के लिए? नहीं है, ये UG PG के लिए है, PhD वालों का अलग है। B7 वही खाना बनता है। मेगा मेस जो है वो केवल UG और PG के लिए है। केवल UG के लिए? UG और PG जो लड़के हैं उनके लिए, गर्ल्स के लिए अलग है वहाँ बना हुआ। और ये जो तीन हॉस्टल हैं ये लड़कों के लिए, PhD वालों के लिए विशेष तौर पे जो है B7 बना हुआ है। और वहाँ पे जो है केवल और केवल PhD वाले रहते हैं, इसके अलावा नहीं रहते। और ये जो हॉस्टल है ये UG और PG वाले रहते हैं उसमें। इसका क्या नाम है हॉस्टल का? ये इसे B5 बोल रहे हैं। तो हमें कैंपस में एक स्टूडेंट मिले हैं, क्या नाम है? नासिर। कौन से कोर्स में हो? M.Com। M.Com में हो। अच्छा, आपने हमारा वीडियो देखा? हाँ, वे सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने हमें सब्सक्राइब भी कर रखा है, जो अच्छा लगा मुझे। बेसिकली आज मैं आया हूँ थोड़ा कैंपस घूमने के लिए। ये हमारे फ्रेंड है, PhD कर रहे हैं यहाँ से। तो जैसे अभी इसी साल हुआ आपका एडमिशन? हाँ, अभी। अच्छा, तो आपको ऑफलाइन बुला दिया? नहीं, मेरे को बुलाया, मैं पहले एडवांस आ गया। मतलब एडवांस में आ गया? आपके फ्रेंड वगैरह यहाँ रहते होंगे पहले से कुछ? नहीं, मेरे कोई नहीं है अभी। अच्छा, अभी मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, आप अकेला? हाँ, इसीलिए आया। वैसे कोई और भी स्टूडेंट आए तो उसको भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना। सर, आपके साथ एक फोटो ले लेता हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर। तो अभी हमें एक और स्टूडेंट मिले हैं। हालांकि मैं तो मतलब स्टूडेंट तो मेरे को जानते ही है पहले से, लेकिन मैं नहीं जानता, बट फिर भी इनसे मुलाकात हुई है। तो क्या नाम है आपका? तो सर, मेरा नाम दरावत। अच्छा, आप हमारे किस कोर्स से जुड़े हुए थे? तो ये क्रैश कोर्स था ना आपका CUET के लिए। अभी कौन से, अभी मतलब कोर्स कौन सा आपका? वो 3 महीने चला था कोर्स का, एग्जैक्ट नाम तो नहीं है, बट वही अभी यहाँ PPLC मेरा पब्लिक पॉलिसी। तो आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट? हाँ, पॉलिटिकल। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी जो हमारा क्रैश कोर्स चला था उसी के आप स्कूल आए? तो सही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो अभी नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा, तो अभी एडमिशन वगैरह हो गया? करवानी है, जस्ट करवानी है। तो बुला लिया आप लोगों को? बुला, कॉल कर के मेल वेल तो कह रहे थे, डायरेक्ट बुलाया था कॉल। अच्छा अच्छा, काफ़ी लोगों को तो अभी जैसे हिंदी वालों को बुलाया नहीं? अच्छा, कल वहाँ मेरे जान पे चलो, और लोग उनको नहीं बुलाया, PPLC कोई सीधे कॉल करके बुलाया। अच्छा, सीधे कॉल करके। चलो सही है, आपसे मिल के अच्छा लगा। ये कौन सा है? B7 है। और ये खास कर किन के लिए है? केवल PhD स्कॉलर के लिए, है ना। और इसके बगल में ये वाला जो है, ये है कौन सा है? ये B6 है। ये किन किन के लिए है? UG और PG दोनों के लिए, मिक्स में ही है ना इसमें? अच्छा अच्छा। और इसके B5 है। और इसके बगल में ये B5 है ना, यहाँ पर भी UG PG वाले। और उसके जस्ट बगल में फिर ये मेगा मेस है। ये मेगा मेस है जिसमें UG PG वाले। अच्छा, इन यानी B6 और B5 के बच्चे यहाँ पे खाना खाते हैं। अच्छा, और ये लगभग अभी 2:30 बजे तक चलेगा लंच के लिए अगर कहे तो ना। तो मतलब बाहर से भी अगर कोई मान लीजिए कि आ रहा है तो वो भी यहाँ पर कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ खा सकता है, वो भी खा सकता है। गेस्ट भी आते हैं मान लीजिए, पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ में आते हैं तो वो भी यहीं पे खाना, वो भी यहीं खाते हैं। चलो सही। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर।
और ये बैंक है ना खुद का, बैंक ऑफ इंडिया ना, वो जो है वहाँ पे वो डिस्पेंसरी है जहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पे जो है देते हैं। अच्छा, और ये मेन वो 3 नंबर गेट स्टूडेंट के लिए इधर वाला है ना, 3 नंबर गेट स्टूडेंट है। यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस बना हुआ है और ये कैंटीन बनी हुई है। यहाँ पे जो है सभी वो मेस है, उसके अलावा यहाँ कैंटीन है ना, कोई कैंटीन में खाना खाना। कैंटीन में अगर ये तो फुल टाइम ऑन रहती होगी ना, ये रात को शायद 9 बजे तक रहती है, 9 बजे तक रहती है, 8 बजे तक, सुबह 9 से रात 9 तक है ना, सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक। और तो गाइस ये जो है गेट नंबर 3 है जो कि मेनली स्टूडेंट के लिए है। मान लीजिए कि आप आ रहे हो एडमिशन के लिए, नए स्टूडेंट हो तो आप यहीं से आ सकते हो, ठीक है, और फिर यहां से आप सीधे जो है आ जाओगे अंदर की तरफ, ठीक है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है, ये आगे का भी हम आपको बताएंगे, बट मेनली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गेट नंबर 3 जो है, ठीक है, ये गेट नंबर 3 है, इसी से स्टूडेंट आते हैं, ये हाईवे की तरफ से सीधा आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। तालाब है, आप देख सकते हो, इसका पानी काम में भी, ये लोग काम में ले लेते हैं ना पेड़ पौधों को लेने के। अच्छा, किसी के पास मान लीजिए बाइक वगैरह नहीं है तो ये पूरे कैंपस में चलते हैं ना। ये हेल्थ सेंटर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है सर, फ्री में देखते हैं। अच्छा, फ्री में देखते हैं, फ्री में वो चार्ज फीस में लिया। अच्छा, उसको मेडिकल चार्ज में लिया जाता है, नॉर्मल जो भी है तबीयत खराब होती है, जुकाम बुखार होता है उसके लिए। एम्बुलेंस भी है यूनिवर्सिटी की, खुद की हाँ, इमरजेंसी केस के लिए। गर्ल्स PhD का B1 होता है। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए जो PhD में है ना, PhD के लिए हमने बैठने के लिए इसको खुला था। दो हॉस्टल है गर्ल्स के, जाते हैं जी, चार गर्ल्स के है ना। ये बेहतरीन ये बी फोर मतलब गर्ल्स के हॉस्टल तो चारों पास पास में। अंदर ही चल के देख लेते हैं ऊपर की साइड में। शाम शाम को आते होंगे ना स्टूडेंट क्लास के बाद। इससे जस्ट इधर है ना वो फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ भी फुटबॉल खेलते हैं, मतलब फैसिलिटी तो लगभग सारी है ना। हाँ, सभी। और ये ओपन टॉयलेट बाथरूम है जहाँ पे ओपन टॉयलेट ये लगा रखे हैं। और
ये है हेलीपैड, यहाँ पे तीन हेलीपैड बने हुए हैं। कैंपस तो काफी बड़ा है। ओबीसी हॉस्टल ओबीसी हॉस्टल बोलते हैं, जो अभी नया बना है रिसेंटली। अच्छा अच्छा। और ये 4 सीटर है, एक में 4 लोगों को रखते हैं, 2 बड़े हैं यहाँ पे। केवल बॉयज के लिए या क्या? गर्ल्स के लिए। और अभी शायद इसमें है ना वो रखेंगे, लड़कों को रखेंगे। तो टेम्परेरी है क्या ये भी? अभी टेम्परेरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना वो क्या फिर लड़कियाँ इधर किसी भी आने जाने में परेशानी हो तो लड़कों को रख देते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी यानी जो ऑफिस होता है ना वो ये है। सीधा ये ट्रेन लगेगा ना, फैकल्टी के लिए ना। पूरा साइंस डिपार्टमेंट है ना, इसको तो एडिट तो करना पड़ेगा। एडमिन ब्लॉक से करें या फिर बाहर से जो गेट था? तो बाहर से गेट आप आ गए। हाँ आने के बाद यहाँ से एडमिन ब्लॉक आ गए आप। हाँ उसके बाद ही है, उसके बाद में क्लास वगैरह होती है। यहाँ का तो नज़ारा ना थोड़ा देखने लायक है। यहाँ पे वहाँ तो क्या